सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ के कैंप क्रमांक 3 के शांतिनगर परिसर में वारधुने नाले के किनारे पर एक नवजात बच्चे का शव मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं मध्यवर्ती पुलिस ने उक्त बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सेंट्रल अस्पताल में भेज दिया। बता दें कि किसी अज्ञात ने नवजात शिशु को वारधुने नाले में उस अज्ञात शव को नाले में फेंक दिया। आज दोपहर को शांतिनगर परिसर में वे शव जैसे ही स्थानिक लोगों को दिखा तो उन्होंने तुरंत मध्यवर्ती पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने उक्त शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या हादसा यहाँ पर हुआ है और तुम्हारा नाम क्या है? माझा नाव मुकेश बागुल, समाज सेवक। तसेच आपले सावित्रीबाई फुले नगरच्या बाजूला एक नदी नाला आहे, त्या नाल्याच्या पाठीमागे नाल्यात तो एका आपल्या मित्राला आहे, माझ्या गुरुबाचा ग्रुप मेंबरला माहीत पडलं। त्यांनी मला सांगितलं, बाबा असं असं आहे, मी तिथं गेलो, तिथं बघितलं बाबा घटनास्थळी गेलो, तिथं बघितलं की असं लहान मुलाचं एक लहान बाळ व ते आढळून दिसलं मलाही। मी ताबडतोब तातडीने मी पोलिसांना कॉल केला आणि पोलिस पूर्ण लगेच आलेत व त्याला आम्ही आमच्या ग्रुपचे बाबू मित्रमंडळाने तिथून त्या लहान बाळ त्यांना काढलं आणि आपले ॲम्ब्युलन्स वगैरे तिथे नेलं। बस नवजात शिशु था या फिर उसकी उम्र क्या कुछ बता सकते हैं? लगभग एक दिन का होगा, वो आठ आठ दस दिन का था, एक डायरी आठ आठ दस दिन का था। तो वहाँ से हमने निकाला वहाँ पे, तो उसको टेंशन में डाला, फिर एम्बुलेंस में वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल उसको भेजा गया। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर वो बॉडी है? मुझे ऐसा पता चला गया कि मेरे एक ग्रुप के दोस्त या ग्रुप के सदस्य है, उसने मुझे बताया कि मुकेश बाबू ऐसा ऐसा इधर देखा गया है। मैं बोला चलो पहले अपन तो देख ले जाके, फिर हमने देखा वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे जाके देखा डायरेक्ट लाइव, तो लगा हाँ ऐसा तो ये तो बच्चे का शव दिख रहा है। फिर हमने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल किया, पुलिस में कॉल करके हमने फिर तुरंत पुलिस भी आई वहाँ पे मौजूद हुई, तो वहाँ पे फिर अपने एम्बुलेंस बुलाई गई, फिर वहाँ पे उसको निकल लिया सब अपने ग्रुप के लड़के लोग को नीचे उतर के नदी में हमने निकाला सबने, फिर हम लोग ने उसको बावड़ी में सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा गया।